जी मैं ये चाहती हूँ मेरा बच्चा बहुत दुखी, तीन चोरी है, इतनी इतनी बड़ी काले लगे जाऊँ। बाबू जी मैं तो ये चाहती हूँ जैसा मेरा डिमांड लेता है क्या वो निकाल दिया जाएगा। कभी रोटी मिल जाती है नहीं बड़े रहते हैं मेरे दिन एसपी अजीत सिंह शेखावत के सामने अपनी दुख भरी दास्ता सुना रही ये महिला स्मालखा थाना की गांव वजीरपुर टिटाना की रहने वाली है। दरअसल ये महिला संगीता घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो तीन बेटियों की माँ है, बड़ी बेटी 8 साल की है। महिला का आरोप है कि उसका पति राजीव उसे इसलिए मारपीट करता है क्योंकि उसे कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। स्मालखा थाने में खड़ी इस महिला ने न्याय न मिलने की सूरत में तीनों बेटियों के साथ अपनी जान देने की बात कही है। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत महिला के पति के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एक बार सुनिए महिला ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। तेरे भाइयों के दौरे ले जाए, मैं किस तरह ले जाऊँ, सब बाद में मुझे गाली दे के इतना बांग चुलपाम भूखे रह के टाइम काटते हैं बाबू जी। मेरा घर वाला ही करता, पिछली बार तो सारों ने करी थी, अब भी बार बार है, बाकी सपोर्ट तो उनकी सारों की है। एसपी साहब क्या बोले आप? नु कह रहे हैं जी करवाएंगे, तुम्हारा भी जो करवाएंगे। अच्छा। बोल के तो गए हैं। मारता क्यों है, क्या बस लड़कियों को ऊपर मानता है। तीन लड़की क्यों होगी मेरे, छोरा तो ही नहीं नु मेरे पे, छोरी क्यों नहीं करती, छोरे क्यों नहीं करती पैसे। बड़ी लड़की कितने साल की है? 8-8 साल में लगी नवम्बर से। आज ही आज का मौका है, सुबह ना हम चारों माँ बेटी मरी पाएंगे, हम दुनिया से बहुत परेशान हो गए, अब हमारे से जिया नहीं जाए जी। धन्यवाद, मैं बहुत दुखी हूँ, कद तक जिए माँ बापों में, कद तक जाए, कद तक दुख कटवाएं, उनके भी तो तीन चार बेटियाँ खुद हम हैं, तीन भाई के बड़ी के तीन मेरी है, तो बताओ वो शादी एक लग कैसे करेगा, मांग पूरी करते हैं ये, अब बताओ किस तरह करेंगे। टिटाना वजीरपुर टिटाना है जी, 2014 में हुई थी नवंबर में, हाँ जी 17-18 तारीख को हुई थी। राजीव पापा का है शंभुनाथ। थाने के गांव वजीरपुर टिटाना के निवासी महिला संगीता ने खुद अपने ही पति पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि उसकी शादी 18 नवंबर 2014 को टिटाना निवासी राजीव के साथ हुई थी। उसने बताया कि उसका पति बीती देर रात करीब 11 बजे उसकी डंडों से बुरी तरह पिटाई करता है और कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भी देता है। उसने आरोप लगाया कि 1 साल पहले भी उसे बुरी तरह मारा था, जिसकी शिकायत पुलिस को की थी, जिस पर पुलिस ने दबाव बनाकर समझौता करवा दिया था। मिली है अभी ये लड़की? हाँ, ये लड़की मुझे अभी मिली है, इसे दरखास्त देगी अभी, उसको FIR दर्ज करके करवाएगी। इसका क्या काम होता है कि घर किसी का उजड़वाती नहीं, बसवाने की कोशिश करती है। एसपी के आदेश पर स्मालखा थाना पुलिस ने महिला से शिकायत लेकर उसके पति के खिलाफ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो फिलहाल जो है अभी तक एसपी द्वारा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला के पति के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति उसके साथ इसलिए मारपीट करता है क्योंकि उसके सिर्फ और सिर्फ तीन बेटियां हैं, उसके पास कोई भी बेटा नहीं है, जिसकी वजह से वो अक्सर उसके साथ मारपीट करता है और उसने न्याय की गुहार एसपी से लगाई है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।